हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज टेक न्यूज़ लेकर आया हूं, जीपीएस के रिलेटेड हैकिंग न्यूज़ और आपके जो ब्राउज़र्स में सेफ पासवर्ड है होते हैं उन्हें किस तरह हैकर्स हैक करते हैं उसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से ही हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको GPS के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, GPS क्या है ये तो हम सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों, GPS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम अपनी लोकेशन का पता कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में GPS यूज़ किया जाता है जिसे किसी भी की मदद से हम किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं और उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों, मोस्टली अभी बहुत तरह के GPS आ चुके हैं मार्केट में, जैसे कि बच्चों को फाइंड करने के लिए पेरेंट्स के लिए एक GPS बनाया गया है जिसमें बच्चे के हाथ पर एक बैंड डाल दिया जाता है जिसके जरिए हम बच्चे को कहीं भी जो हो उसे हमारे जो मैप है होता है GPS मैप, तो उसके जरिए हम उसे ढूंढ सकते हैं वो बच्चा कहाँ पर है। और इसके अलावा हमारे कार्स में GPS आते हैं जिसकी मदद से हम हमारी डेस्टिनेशन कोई भी जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, जहाँ पर हमारा हमें जिसका रास्ता नहीं पता तो हम GPS के जरिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे या फीचर हमारे मोबाइल में भी होता है, जो गूगल मैप्स होते हैं और जो आईफोन के मैप्स होते हैं उनके जरिए हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी रास्ते का पता लगा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया GPS। तो दोस्तों, GPS में कौन सी जो हैकिंग है वो आपके साथ की जा सकती है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, GPS के जरिए आपके मोबाइल का पता लगाया जा सकता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आपका IMEI नंबर भी चेक किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपका जो डाटा होता है जो आपके मोबाइल में होता है वो एक्सेस किया जा सकता है कि आपके पास कौन कौन सी फाइल हैं, उन सभी को एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो मैं खामियां इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रैक मेगाडाउन जो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम किसी भी चीज़ का पता लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पेरेंट्स यूज़ करते हैं, जो ट्रैकिंग बैंड होते हैं उनका यूज़ करते हैं, ये सभी टेक्नोलॉजी होती हैं जो जैसे कि हमारा कार का GPS हो गया, ये भी ट्रैक मेगाडाउन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। तो ये सभी जो कनेक्टेड होते हैं हमारे डिवाइस, उन्हीं सभी को एक्सेस किया जा सकता है इसके जरिए। तो दोस्तों, काफ़ी जो 79 वेबसाइट हैं जो इसके जो उनमें ये खामी पाई गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं, मैं उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं तो कौन कौन सी वेबसाइट है वो जो जिनमें ये सुधार किया गया है, और कौन सी वेबसाइट अभी बाकी हैं जिनमें ये सुधार करना बाकी है। तो सभी आप इन्फॉर्मेशन नीचे से प्राप्त डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है उसके जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पासवर्ड हैकिंग के बारे में आप बात करते हैं। तो दोस्तों, मोस्टली हम सभी ब्राउजर्स यूज़ करते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स में, तो क्रोम ब्राउज़र और फायरफॉक्स ब्राउज़र है वो ज़्यादातर लोग जो यूज़ कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये सभी जो ब्राउज़र्स होती हैं इनमें एक ऑप्शन होता है, जब हम किसी भी हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे फेसबुक हो गई, गूगल जीमेल हो गया, गूगल का अकाउंट हो गया, और दोस्तों इसके अलावा और बहुत सी वेबसाइट होती हैं जिनमें हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी वेबसाइट पर जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें एक ऑप्शन पूछा जाता है कि अगर आप पासवर्ड सेव करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो अगर हम दोस्तों वहाँ पर हमारा पासवर्ड सेव कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें पासवर्ड फिल करना पड़े जहाँ पर हमारी यूज़र आईडी हमें फिल करनी पड़े। तो दोस्तों, जब भी हम वहाँ पर लॉगिन पेज पर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड, और हमें सिर्फ लॉगिन पर क्लिक करना होता है। हैकर्स इसे यूज़ कैसे करते हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वो एक हिडन लॉगिन फॉर्म बनाते हैं और दोस्तों उन्हें अपनी वेबसाइट में या फिर लिंक में डाल देते हैं। तो दोस्तों, जब हम उस लिंक पर जाते हैं या फिर उस वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली हमारे जो सेव पासवर्ड होते हैं वो वहां पर फिल हो जाते हैं। तो जब हम उसके बाद हम किसी भी
दोबारा उस लिंक के अंदर जब हम चले जाते हैं, दोबारा लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपका जो यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड होते हैं वो हैकर्स के पास चले जाते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, जो कि आपका ऑटोफिल जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर दीजिए। और दोस्तों इस तरह की हैकिंग बहुत समय से चली आ रही है, और दोस्तों तकरीबन 11 ईयर हो गए हैं इस बात के बारे में, लेकिन दोस्तों इसके बारे में कोई ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो हमें पूरी तरह सिक्योर रख पाए। हालांकि MD5 ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ब्राउजर्स में पासवर्ड सेव करने के लिए, जो कि हमारे पासवर्ड को एक यूनिक आईडी में बदल देती है, जिसके जरिए पासवर्ड का पता नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपका पासवर्ड ब्राउजर फिल कर दे उस फॉर्म में, तो आसानी से आपका पासवर्ड देखा जा सकता है और आप हैकर्स के पास जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ कि आप अपना अगर बचना चाहते हैं तो इस ऑटोफिल ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन ये डिसेबल नहीं करना आता, तो आप अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, आपने अपनी सेटिंग में जो 3 डॉट्स होती हैं हमारे राइट साइड पर गूगल क्रोम में, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर आप सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा एडवांस, अगर नहीं दिख रहा तो आप ऊपर सर्च बार होगी, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा, तो आप गूगल पर जाएं और वहाँ पर लिख दें हाउ टू डिसेबल माई ऑटोफिल ऑप्शन, और उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप किस तरह उसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ब्राउजर है, वो भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि किस तरह आपने उसका ऑटोफिल ऑप्शन डिसेबल करना है। दोस्तों, इस तरह आप बच सकते हैं। आज की टेक न्यूज यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपके साथ नई टेक न्यूज के साथ, और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी नई बातों को बताऊंगा आपको। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।